हेलो गाइस, वेलकम टू पहाड़ी वाला ब्लॉग्स। आज का ये इंट्रो गाइस बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में हो रहा है, क्योंकि अभी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि कब भाई ये मौका मिलेगा। पहले मैं आपको समझाता हूँ, आज मैं जा रहा हूँ MS धोनी सर का न्यू वाला फार्म हाउस। भाई बहुत दिनों से सोच रहा था कि कब ऐसा मौका मिलेगा, फाइनली आज ये मौका मिल चुका है और ये मौका मेरे सर के थ्रू मिला है। सर के मतलब क्लोज फ्रेंड है MS धोनी सर भी, और उनके भाई नरेंद्र धोनी जो है वो भी उनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, तो उनके कारण मुझे ये मौका मिला है। सर वेट कर रहे मेरा रोड के पास, मुझे हेलमेट लेके जाना है सिर्फ सर के साथ। और आज मैं कोशिश करूंगा धोनी सर के फार्म हाउस का टूर देने का, बट देखते हैं क्या होता है। अभी मुझे कुछ भी पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। सर फिलहाल वेट कर रहे, इसलिए जल्दबाजी में ही इंट्रो शूट कर रहा हूँ और भाई भागते हुए जा रहा हूँ हेलमेट लेके, क्योंकि सर अपनी बाइक लेकर आ रहे हैं, तो मुझे यहाँ से सिर्फ हेलमेट लेकर जाना पड़ेगा और फिर सर के साथ हम लोग चलेंगे। बाकी देखते हैं सर का क्या क्या काम है, वो भी करना है। देखो गाइस, इतने जल्दबाजी में मैंने इंट्रो वगैरह शूट किया और जहाँ पे सर ने लोकेशन दिया वहाँ पर आकर मैं खड़ा हो गया। मुझे ऐसा लगा था कि सर जो है, ऐसा कॉल में बात किए थे कि मुझे लगा था कि सर अपने लोकेशन पर आके खड़े होंगे, तो मेरा ही लेट हो रहा है, बट मैं बहुत पहले आ गया, सर अभी तक नहीं आए। भाई वेट कर रहा हूँ सर का मैं, देखते हैं वो कितना लेट करते हैं। भाई वो बोलते हैं कि टाइम के पक्का रहा करो, और देखो आज वो खुद लेट कर रहे हैं, आने दो उनको। मैं बोलता हूँ कि सर आप ही बोलते हैं कि टाइम का पक्का रहा करो और आज खुद ही लेट कर रहे हैं आप। तो चलो फाइनली हमारे सर आ चुके हैं। आप ऐसा कॉल पे मुझे बोले कि हमको लगा कि आप अपने लोकेशन पे आगे बस निकल रहे थे, खाना खा के नमाज पढ़ गए। अच्छा चलिए, पता ही पहले कहाँ जाना है सर हम लोग को? सबसे पहले हमारे टीचर्स के पास जाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग धोनी के फार्म हाउस जाएंगे। अच्छा चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके बदौलत मुझे धोनी सर का फार्म हाउस देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग वहाँ पे क्यों जा रहे हैं। तो ये देखो सर जो है हाल फिलहाल मक्का गए थे उमरा करने के लिए, तो वहाँ से मक्का का खजूर और आबे जमजम का पानी लेकर आए थे, तो उन्हीं देने के लिए जा रहे अपने फ्रेंड के पास। और MS धोनी जी और उनके भाई जो है सर के बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, तो वहाँ पे भी हम लोग जाएंगे उनके फार्म हाउस उनको ये चीज देने के लिए। ये देखो धोनी सर का घर है ये, लेकिन हम लोग यहाँ पे नहीं, हम लोग जा रहे हैं धोनी सर का फार्म हाउस। सही दिल से निभाना कदी, लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा जान बन जाना कदी, परदेसी तेनो जरा जिस्म का शौक नहीं दिल दीवाना। लगभग हम लोग धोनी सर के फार्म हाउस के करीब पहुँच ही चुके हैं। सर उनके भाई से बात कर रहे हैं और सर ने एक और खुशखबरी दिया है कि धोनी सर जो वो रांची पे ही है, तो अगर वो फार्म हाउस में होंगे तो उनसे भी मुलाकात हो जाएगी, बट देखते हैं हमारा लक साथ देता है या नहीं। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सर के फार्म हाउस के पास। तो फाइनली गाइस हम लोग सर के फार्म हाउस के पास पहुंच चुके हैं। ये रहा उनका मेन गेट, भाई काफी खूबसूरत बनाया गया है, घोड़े का डिजाइन दिया गया। और ये जो फार्म हाउस है ये न्यू फार्म हाउस है सर का, और ये रिंग रोड से 5 किलोमीटर अंदर जाकर है, और यहाँ बहुत ही शांति वाला इलाका है। और एक चीज का एक्साइटमेंट हो रहा है, सर ने जो खुशखबरी दिया था कि धोनी सर जो वो रांची में ही है, तो अगर वो इस फार्म हाउस के अंदर होंगे तो भाई उनसे मुलाकात हो जाएगी, तो इस चीज का एक्साइटमेंट हो रहा है। बाकी उनके भाई से तो सर अभी बात की, उनके भाई जो है वो यहीं पे, तो उनसे मुलाकात तो होगी। और ये देखिए कितना ज्यादा प्यारा खूबसूरत जगह है, मतलब चारों तरफ नेचर से घिरा हुआ है, उसके बीच में ये फार्म हाउस है, सुकून सा महसूस हो रहा है यहाँ पे। काफी खूबसूरत सा फार्म हाउस है, बहुत कुछ यहाँ पे खेती वेती किए गए। तो ये जो आप लोग देख रहे हो ये है ड्रिप इरिगेशन। इसमें क्या होता है ना कि पानी बहुत कम लगती है। यहाँ पे देख रहे हो ये जो गया है ये छोटा पाइप टाइप का, और ये इन पौधे के जड़ों पे ही जाकर पानी देता है, तो इससे क्या होता है कि पानी जो है वेस्ट नहीं होता है, और जितना पानी चाहिए उतना पानी नहीं मिल जाता है। नहीं तो वहाँ बोले कि नहीं, सबसे पहले वहाँ का खजूर पानी, कोई भी दर्द करे ना तो उसको पानी को चेहरा वेहरा पर लगा लेंगे ठीक हो जाए। तो पूरा वीडियो करवा देंगे हम अगर तुम बाद में आएगा तो। जी जी सर ठीक है, अभी डालोगे तो तुम कोई मजा नहीं आएगा। ये देखो यहाँ पे भाई कितने सारे ब्लैक मुर्गी है। चलिए धोनी सर के भाई की गाड़ी में बैठते हैं। भाई ठेकुआ खाना है तो देखो ठेकुआ। जी सर
बहुत मस्त लग रहा है आपका ये गाड़ी से। खजूर लेकिन एकदम अभी जाते ही। माही सर यहाँ नहीं है क्या? अभी यही है। अच्छा रांची पे ही है। रांची में माही कल लगाओ कैसे हो गया फार्मिंग में? ऐसे भैया हो गया, हो गया। देखिए फार्मिंग से नहीं हुआ शुरू, शुरुआत हुआ कि भैया ऐसा है कि हम लोग के तो पापा जाते थे 4 बजे रात को दूध लाने के लिए। आज का बच्चा का बाप तो जाता नहीं है, सोया रहता है, तो उन लोगों को प्योर दूध कैसे मिलेगा? तो एक प्योर दूध देने का कोशिश था आपको बता रहे। तो उस कोशिश में क्या हुआ कि भैया अब तक की है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे धोनी सर के भाई की गाड़ी में बैठने का मौका मिलेगा, लेकिन जब आप अपने लाइफ में अच्छे काम करते हो तो उसका फल भी आपको अच्छे ही मिलता है। रांची के राजकुमार, हमारे हिंदुस्तान के शान MS धोनी, नाम तो सुना ही होगा। अभी गाइज हम लोग हैं MS धोनी सर के फार्म हाउस में, और भाई देखो काफी खूबसूरत सा उनका फार्म हाउस है। काफी सारे फल फ्रूट, काफी सारे सब्जियां यहाँ पे लगी हुई है, और बहुत सारे यहाँ पे मतलब गाय वाय है, जिससे कि दूध वगैरह जो है बहुत यहाँ से होता है। देख रहे हो भाई कितना नेचुरल प्लेस पे है ये, चारों तरफ जो है हरियालियाँ ही हरियालियाँ है, और एकदम अलग सा डिफरेंट फीलिंग मिल रहा है यहाँ पे आके। और महेंद्र सिंह धोनी के भाई नरेंद्र सिंह धोनी ने जो है हमें अच्छे तरीके से अपना ये जो फार्म हाउस है वो दिखाया है, इनके बारे में बताया है, तो उनसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। हालांकि धोनी सर से मिलने का मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था, मुझे लगा था कि वो यहाँ पे होंगे, बट मतलब रांची पे ही है, बट वो अभी फार्म हाउस में नहीं है, तो उनसे मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन मेरे सर जो वीडियो बना रहे उनके वो काफ़ी क्लोज फ्रेंड है, तो कभी ना कभी तो मुलाकात हो ही जाएगी। बट अभी आप लोग देखें भाई कितना प्यारा सा उनका जो है फार्म हाउस है। इस तरफ टमाटर का खेती लगा हुआ है, मतलब अलग अलग यहाँ पे वेजिटेबल्स की खेती जो है वो लगे हुए हैं। तो धोनी सर तो नहीं, लेकिन धोनी सर के बड़े भाई ने अपना ये फार्म हाउस हमें अच्छे तरीके से घुमाया, वो भी अपने लग्जरी गाड़ी में बैठा कर। तो सच ए ग्रेट पर्सन, सो इसके लिए दिल से थैंक्स टू नरेंद्र सिंह धोनी। चलो तो सर का फार्म हाउस हमने अच्छे तरीके से देख लिया है, अब चलते हैं फिलहाल घर की तरफ, और सर को एक दो और काम है तो उस काम को करते हैं। चलिए सर। तो सर ने बोल दिया है कि गारंटेड तुमको MS धोनी से मिलवाएंगे, तो पक्का सर प्लीज़ एक बार मिलवा दीजिए, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं उनका। भाई हमारे सर बिल्कुल भी कम नहीं है, समझ लो उनके कारण। देख लो कि आज महेंद्र सिंह धोनी सर का जो फार्म हाउस है वो अच्छे तरीके से घूम लिया, उनके भाई से भी मिल लिया, और उन्होंने रिस्पेक्ट भी बहुत ही अच्छा दिया। भाई सच बता रहा हूँ, व्यवहार बहुत ही अच्छा था। अब पता नहीं सर के कारण ऐसा व्यवहार मुझे मिला या ये पहले से ही है सर उनका नेचुरल है। अच्छा उनका नेचुरल है। सो अभी हम लोग सर के फार्म हाउस से होकर आ चुके हैं, और होटल में कुछ खावा लेते हैं, सर को चाय भी पीना है, तो सर के लिए चाय भी यहाँ पे बोल दिया बन रहा है, और फिर सर बोले हैं कि धोनी सर से भी मिलवाना है, तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल खाते हैं, यहाँ पे आ चुके हैं 2 प्याजी, सर समोसा और 1 प्याजी मंगाए, तो इसे खाते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे भी से मिलता हूँ। तो अभी फिलहाल हम लोग हैं रांची के JCA स्टेडियम के पास, यहीं पे MS धोनी जो है वो आकर अपना प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, और आज यहाँ पे वो नहीं आए, सर को लगा था कि वो आज यहाँ पे आए होंगे, तो उनसे यहाँ पे आकर मुलाकात जो है वो हो जाएगा, बट आज वो प्रैक्टिस के लिए नहीं आए। मैंने चाय वाले से पूछा तो वो बोले कल देखे थे, बट आज वो नहीं आए। मेरे ख्याल से नहीं लग रहा है कि मिल पाएंगे, अगर यहाँ पे आते तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लग जाता, बट वो यहाँ पे है ही नहीं, तो जुगाड़ कैसे लगेगा। एक्सक्यूज मी सर, बोले माही सर आए हुए क्या यहाँ? आज नहीं आए, कल आए थे ना? आए थे मॉर्निंग में, सुबह आए थे सर, चलेगा। और सेकेंड टाइम भी आते हैं क्या? नहीं, एक ही टाइम दिन भर में। The next day. So, फिलहाल गाइस हम लोग घर आ चुके हैं, और आपको लग रहा होगा कि इसके सर ने बोला था कि वो धोनी सर से किसी भी तरीके से मिलवा कर रहेंगे, बट कहां मिले? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे सर ने अपने तरीके से कल फुल कोशिश की थी, बट नहीं मिल पाए। दरअसल हम लोग सोच कर गए थे कि धोनी सर जो अपने फार्म हाउस में होंगे तो वहां पे मिल जाएंगे, बट वहां पे जाकर उनके बड़े भाई से पता चला कि धोनी सर जो है वो गए हुए प्रैक्टिस के लिए JCA स्टेडियम। तो फटाफट से हमने फार्म हाउस घुमा, उनके बड़े भाई से मिला, अच्छे तरीके से बातचीत किए, और फिर हम लोग चले गए JCA स्टेडियम।
और वहां पे जाने के बाद पता चला कि धोनी सर जो है वो मॉर्निंग में ही प्रैक्टिस करके चले गए, तो भाई इसके कारण हम लोग वहां पे नहीं मिल पाए। बट हाँ, हमारे सर जो है धोनी सर के बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, उसके बड़े भाई के भी क्लोज फ्रेंड है, तो कभी ना कभी मौका मिलेगा ही तो हम लोग मिल लेंगे। कल जो हमारा लक साथ नहीं दिया, बट ऐसा नहीं होगा कि लक हमेशा साथ नहीं देगा, कभी ना कभी तो देगा ही, और वो हमारे रांची के ही है तो कभी ना कभी तो मुलाकात हो ही जाएगी। तो अब आज की इस ब्लॉग को गाइस हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप गाइस आज का ये ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मिलते हैं गाइस हम लोग फ्रेश ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।